टाइब्रेकर का समय, दोनों टीम बिल्कुल तैयार है। निर्धारित समय पर उन लोगों ने दो दो गोल करके बराबरी पर लाया। फर्स्ट हाफ में केएफसी दार्जिलिंग ने दो गोल कर पाए थे और सेकेंड हाफ में उसी को ड्रॉ करने के लिए कोडरमा रेडबुल बालाबिसार कामयाब रह रहे हैं, जो बराबरी करने पर उन लोगों ने सफल रहा। अब टाइब्रेकर होने के लिए जा रहा है। टाइब्रेकर में अब देखना है, फर्स्ट पांच पांच मौके मिलेंगे, उसमें क्या निर्णय होगी वो आप लोग अपनी जगह में अपने अपने जगह में देख बैठ कर उसका भरपूर आनंद लेंगे। तो आगामी कल इस मैदान में भाग लेने के लिए आ रहे हैं ग्लोबल आसाम और आगामी इस मैदान में फिर से भाग लेने के लिए आ रहे हैं ग्लोबल आसाम और गुरुवथान एफसी। ये दोनों टीम बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी को लेकर इस मैदान में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस खेल को भी आप लोग बहुत से देखने के लिए और मनोरंजन आनंद उठाने के लिए आप लोग जरूर आएंगे। तो इसके साथ आप सबों के बीच कोडरमा रेडबुल वर्सेस सुपना के बीच अभी टाइब्रेकर के द्वारा आज का निर्णायक फलाफल लिया जाएगा। आगामी कल 3:30 बजे खेल निर्धारित समय पर होगा, क्योंकि खेल का समय पूरा 45-45 रखा गया है, इसलिए आप लोग निर्धारित समय पर आएंगे। पहला सुपना केएफसी के द्वारा अभी आ रहा है कोडरमा रेडबुल। गोल करने में कामयाब कोडरमा रेडबुल। से सुपना ग्रो करने में कामयाब।
बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर बोल से सुखना की तरफ से एक चुप करने में कामयाब होगी। और भी दिलचस्प होने के लिए जा रहा है जो फाइव विकेट अब आ रहा है पेड़ंगा रेड बॉल की तरफ से शूट करने के लिए। अच्छा शॉट तो बनने की तरफ से दो नंबर गेट के पास ऑटो और बाइक रखा है उनको कृपया साइड कर दें जिसका है। अच्छी शूट की तरफ से आ रहा है शॉट के लिए थर्ड ओवर रेडबो सेकंड राउंड में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई।